दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो पे हैं तो जरूर आपको इंटरेस्ट होगा एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस में आपको रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ये बहुत ही काम की, जो भी लोग लैपटॉप यूज करते हैं या वो मैकबुक हो या विंडोज लैपटॉप हो, कीबोर्ड माउस वायरलेस वाले बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि हमारे कीबोर्ड के जो होते हैं लैपटॉप्स के, वो इतने मजबूत या इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते कि उनको हार्ड तरीके से यूज किया जाए। और जो लोग कीबोर्ड का ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों को एक्सटर्नल वायरलेस कीबोर्ड और माउस का यूज करना ही पड़ता है। इसीलिए मुझे भी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने भी अपने लिए परचेस किए हैं, और अभी तक तो देखने में काफी बढ़िया है। लेकिन अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या साथ में मिलता है और कैसी इनकी क्वालिटी, क्या ये अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कॉम्पेटिबल होते हैं मेरे मैकबुक के साथ में, और कितने के मुझे मिले, कहाँ से मैंने परचेस किए, क्या ऑफर था, क्या वारंटी है, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आज का जो प्रोडक्ट है अनबॉक्सिंग के लिए वो ये है, हमारे पास लैबकेयर की तरफ से आने वाला वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो। मैंने लिया है व्हाइट कलर का, क्योंकि मेरा जो मैकबुक है वो सिल्वर कलर का है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है आज का प्रोडक्ट, ये लैबकेयर कॉम्बो पैक 2.4G वायरलेस कीबोर्ड प्लस माउस में मेंशन है, स्मार्ट टू वायरलेस कॉम्बो L999 मॉडल नंबर है और 3 ईयर की वारंटी है। मैंने 3 ईयर वारंटी देख के लिया है कि चलिए 1500 रुपये के आसपास मुझे 1450 का ही मिला एक्चुअली, तो चलिए 3 साल तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। और 20 मिलियन प्रोडक्ट सोल्ड, और ये इनकी वेबसाइट भी है या मेंशन है, और पीछे इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, ये सारा इसका MRP वगैरह, और यहाँ पे सारे फीचर्स मेंशन है। 2.4 GHz टेक्नोलॉजी वायरलेस चॉकलेट कॉम्बो ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 से 10 मीटर तक ये काम करेगा। कीबोर्ड का साइज़ दिया है, माउस का साइज़ दिया है, और ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती है वो हैं। अब इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो हम बात करते हैं। और ये कुछ शॉर्टकट बटन इसके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंट किए हुए कैसे इसका शॉर्टकट बटन सारे काम करेंगे, और बाकी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे केवल ब्रांडिंग है। तो इसके सील ब्रेक करके और इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों ये निकल के आता है हमारा कीबोर्ड बाहर, काफ़ी बढ़िया पैकिंग लग रही है। तो एक तो साथ में सबसे पहले निकालते हैं कीबोर्ड को बाहर, तो ये कीबोर्ड हमारा निकल के आ गया, और साथ में क्या मिलता है कुछ, ये शायद वारंटी कार्ड जैसा, और ये क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी लिस्ट है, बाकी कुछ खास नहीं है। पैकिंग को हटाते हैं तो कीबोर्ड दोस्तों कुछ इस तरह का है, देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है और इसका क्लिक भी काफ़ी ठीक है, और ये यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश दी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है और मेरे मैकबुक के कलर से मैच भी करती है। और यहाँ पे लाइटिंग दी हुई है जो कैप्स लॉक वगैरह के लिए हम देखते हैं। और पीछे की तरफ क्या है, हाइट एडजस्टमेंट के लिए पीछे लैग दिए हुए हैं, इससे हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और ये स्लॉट है जिसमें हमें इसमें सेल लगाने होंगे जिससे ये चल पाएगा। तो इसको रखते हैं साइड में और इसको ओपन करते हैं, माउस को देखते हैं। 2 बैटरी माउस के लिए और 2 बैटरी कीबोर्ड के लिए, और यहाँ मिल जाता है डोंगल, और इसको अभी स्टार्ट करके देखते हैं, शायद प्लग एंड प्ले ही होना चाहिए मेरे हिसाब से ये। और ये माउस निकल के आता है बाहर, तो माउस की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये इसका जो पैटर्न सिल्वर वाला ये मुझे काफ़ी पसंद आया, और इस तरह से बढ़िया काम कर रहा है। मैं इसको अभी पेयर कर लेता हूँ अपने मैकबुक के साथ में, फिर इसको रन करके देखते हैं और इसका साथ के साथ ही रिव्यू हो जाएगा कैसा ये काम कर रहा है। तो फटाफट से आते हैं लैपटॉप पर। हाँ तो दोस्तों ये बैटरी में लगा लेता हूँ फटाफट से इनमें अपने माउस और कीबोर्ड में, फिर इसको चालू करते हैं। तो अभी हमने बैटरी लगा दी है माउस में और कीबोर्ड में, तो ये हमारा माउस है, लिट अप हो गया इसका लाइट लेज़र इसका, और ये हमारा काम कर रहा है। इसकी भी देखिए हल्की सी आपको दिखेगी लाइट, ये वाली काम कर रही है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने पे ये काम कर रही है। तो ये है, और अब मैं इसमें कुछ टाइपिंग करके देख लेता हूँ। सबसे पहले ओपन करता हूँ अपना नोट्स, और नोट्स बना के मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। ऐसे सबसे पहले अपने YouTube चैनल का नाम ही लिख के देख लेते हैं, और नंबर चेक कर लेते हैं इसके, तो नंबर भी सही काम कर रहे हैं दोस्तों, और ये ऊपर वाले बटन भी सही काम कर रहे हैं। तो कीबोर्ड तो बढ़िया से काम कर रहा है, तो यूज़ करने में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लग रहा है मुझे ये, और काफ़ी बढ़िया काम भी कर रहा है। और ये माउस है, तो माउस को चेक कर लेते हैं अभी, तो बढ़िया काम कर रहा है माउस, अच्छे से काम कर पा रहा है माउस भी, ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ बढ़िया से सारी चीज़ें चल रही है। तो माउस भी मेरे अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है फिलहाल तो ये, और बाकी देख लेते हैं इसको कि ये माउस का स्क्रॉल बटन भी
ये काम कर रहा है माउस को, और चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका स्क्रॉल भी अच्छे से काम कर रहा है माउस का, तो माउस काफ़ी ठीक चल रहा है। तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, बाकी और एक दो दिन यूज़ करते हैं। तो ये इसका रिव्यू हुआ कि ये ठीक है, और ये मुझे मिला है 1350 रुपये का। तो अभी आते हैं कैमरे पे, फिर करते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, जिसके हमने की अनबॉक्सिंग लैबकेयर की तरफ से आने वाला माउस कीबोर्ड कॉम्बो पैक वाइट कलर में। और अभी बहुत बढ़िया से काम किया, सीधा प्लग एंड प्ले है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसको, डोंगल को USB पोर्ट में लगाना है और सीधा ये चालू हो जाता है, और काफ़ी बढ़िया से वर्क भी अभी फिलहाल कर रहा है। तो ये उसका दोस्तों आज का अनबॉक्सिंग रिव्यू हुआ। तो दोस्तों ये था आज का अनबॉक्सिंग। अगर आपको प्रोडक्ट ये पसंद आया है कीबोर्ड माउस कॉम्बो, तो आप उसको खरीद सकते हैं। इसका परचेज लिंक मैंने दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ आप क्लिक कीजिए और सीधा अमेजन से इसको बेस्ट रेट में परचेज कर सकते हैं। वैसे इसका रेट 2000 से ऊपर है, लेकिन ये अभी मुझे मिला है 1450 रुपये में। आप जब परचेज करेंगे तो थोड़ा बहुत सस्ता और महंगा हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं अच्छे अच्छे टेक वीडियोस एवं अनबॉक्सिंग लेके आता रहता हूँ वीकली, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।